बॉडी में कौन कौन थे? हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी? करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो, ये तुम्हारा शहर नहीं, मुंबई है। यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को, इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आज़ादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर? एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो? कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहाँ है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीबियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीबियां ढूंढें। पंजाब के पुत्र, तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सके। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर? अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके?
Sorry. What sorry mean? You pushed me. You know what am I? I'm from Washington. Brother-in-law Bill Clinton. Yeah. So what? Hey, no way, man. No way, yeah. Bill ek manta nahi. Bill to pagal hai. Bill to diwana hai. Khaya piya kuch nahi. I'm Bill de chuka hai sanam. Yeah. Nashe mein hai. Nashe mein hai. Hosh mein hai, man. Nasha dekhte hain to club 2000 jao. नशा वहां से कहां कहां सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ। यू कैन डू इट मैन। देखा है क्लब 2000। मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। मैं पहली बार इस तरह की क्लब में आ रही हूँ। अगर पापा को पता चल गया ना तो मेरी फन मैन एंजॉय मेक द बेस्ट ऑफ इट। मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? गॉर्जियस। आई एम रियली नर्वस यार, बस पापा को ना पता चले। देख निशा, वो लड़की कैसे पागलों की तरह डांस कर रही है। एक्सक्यूज मी, तू कहाँ जा रही है? मुझे रिलैक्स काजल, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीती। ड्रिंक तो यहाँ दिखा नहीं पीता था, की पीता था क्यों का क्या। आई मिस्ड यू। कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? कोई टेंशन? टेंशन? इट्स ओके। तुम्हारे आदमी एयरपोर्ट से ही सामान ले गए थे। गुड, रियली गुड। सिकंदर, जानते हो मैं हर बार तुम्हारे लिए सामान लाती हूँ। मेरे साथ की सारी होस्टेसेस पूछती है तुम किसके लिए इतनी शॉपिंग करती हो। फिर तुमने क्या कहा? अपनी जिंदगी के लिए। एक अजीब सा डर लगा रहता है, पता नहीं क्यों। आखिर इन बैग्स में होता क्या है? मोहब्बत का नशा, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं जानती मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, मगर जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर। आई लव यू। आई लव यू टू। सर? यस सर, वो नीचे एसी भी करें। ओके, तुम बेसमेंट में से सामान क्लियर करो। राइट सर। ओ माय गॉड, मैं कैसी लग रही हूँ? यू थिंक करण ने मुझे नोटिस किया? व्हाट रबिश। Excuse me. Hi. Hi. याद है आप मुझे मिले थे कॉलेज में? कॉलेज में? टेरेस के ऊपर। कॉलेज में? कौन सा कॉलेज जा? अरे कौन सा कॉलेज जा? कॉलेज किधर गया? Excuse me. Excuse me. लगता आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? पहचाना नहीं। याद है उस दिन आप और मैं और आप टेरेस पे जब वो गुंडे आ गए थे? गुंडे? गुंडा? कौन सा गुंडा? टेरिस पे बात में लगा चाइनीज गुंडा। टेरिस किधर गया? हाय करण जी, उस दिन जो आपने कॉलेज में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं एहसान नहीं थैंक यू करना चाहती हूँ। आई एम अर्जुन सिंह पापा। नहीं, अर्जुन सिंह इज माई डॉक्टर। नहीं नहीं, आई एम काजल, आई एम अर्जुन सिंह डॉक्टर। नाइस टू मीट यू। सेम है। बाबा जहीर को रिहा किया जा रहा है। कल सुबह उन्हें किसी भी वक्त गुप्त मिलिट्री एरिया से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। We'll be right back.
सकते हैं कि उन बेगुनाह पैसेंजर्स की गलती क्या है जिन्हें आप लोगों ने हॉस्टेज बना रखा है? उनकी गलती ये है कि वो भारतीय हैं। क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान सरकार आपको ये देश छोड़कर जाने देगी? ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपनी गवर्नमेंट से पूछिए। इन्हें बताते क्यों नहीं कर्नल कि तुम्हारा देश, तुम्हारी गवर्नमेंट हमारे सामने सर झुका चुकी है, बिक चुकी है। We were held by Indians to hijack the plane. 100 crore की आबादी वाले भूखे नंगे लोग हो तुम। कल हमारे 4 सिपाही तुम्हारी पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे और अब देखना हमारी पूरी फौज अंदर तक घुसाएगी। अपने मुल्क को अपनी माँ का दर्जा देते हो ना तुम, उसकी छाती से उसका दामन खींचकर तुम सबका सर शर्म से नहीं झुकाया। ज़हीर खान, भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं। कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे, हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। किन जवानों की बात करता है कर्नल? उन जवानों की जिन्हें हमने कारगिल में चूहों की तरह मारा था। अगर तेरे कुत्ते आसपास नहीं होते तो तुझे भी यही दफन कर देता। दो कदम पीछे। हमारे देश में कुत्तों को जान से मारने की परमिशन नहीं है। तेरी जमीन पर आके तुझे मारूंगा। टेक हिम अवे। तकनीकी खराबी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अभी आपने देखा बाबा ज़हीर को सही सलामत बिल्डिंग के अंदर ले जाया जा रहा है। एक पुलिस वाले को इतना अहम काम कैसे दे दिया? उसे अमन का शफीर बनाकर भेज दिया। हरामखोर, तूने ही मेरे भाई को मारा था ना? कैमरा, खुदा कसम मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि ये एक जासूस है। हमारी पोजीशंस और तैयारी की सारी खबर दुश्मन तक पहुंच चुकी है। काट के फेंक दो साले ज़लीलों।
इनका मंसूबा क्या है पहले ये मालूम किया जाना बहुत जरूरी है। टाइगर कॉलिंग ब्रावो ब्रावो मूव फॉरवर्ड काफिरों ने हमला कर दिया है और उनकी तरफ से कुछ हरकतें भी हो रही हैं। हेलो नूर, काफिरों को मुंह तोड़ जवाब दो और किसी भी हालत में अपनी पोस्ट मत छोड़ना। ओवर एंड आउट। हेलो बीसीएक्स, मैसेज फॉर टाइगर, ओवर। टाइगर कॉलिंग ब्रावो। हम शालीमार के नजदीक हैं और दुश्मन की पोस्ट टारगेट 200 मीटर पर है। हम हमले के लिए तैयार हैं। ऑर्डर फॉर अटैक, ओवर। बोल क्या प्लान है तुम लोगों का? बोल। मारना बंद करोगे तो बताऊंगा ना। बोल। इंडियन रेस्क्यू टीम कारा दर्द से आएगी। कम बैक। पर सर। कम बैक, ओवर एंड आउट। Move back. Come on, father. Move back. झूठ बोल रहा है ये इतनी आसानी से बोलने वालों में से नहीं है। बोल बोल। रुको, ये सही कह रहा है। भारतीय फौज ने काराधार की ओर से हमला बोल दिया है। प्लेन और मेरे आदमी छोड़ो, फिर मैं इसे छोड़ूंगा। शायद तू ये भूल गया, ये तेरी नहीं मेरी जमीन है और यहां कुत्तों को मारने की परमिशन है। वंदे मातरम।
तूने कहा था ना तेरी जमीन पर कुत्तों को मारने की परमिशन है। करें